अब यार डायरेक्ट एडमिशन के बारे में आज हम बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस है? वैसे यार आपका जो एडमिशन हो रहा है वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी एडमिशन ही है, ठीक है। पहले थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो यार, पहले क्या होता था, आज से कुछ साल पहले सारे के सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां हैं तो बच्चों को बहुत परेशानी होती थी कि अलग अलग लोकेशन पे है। अब हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी लोकल्स हो, मेट्रो हो, बच्चे ऐसे डायरेक्टली ट्रेवल कर ले, ये भी पॉसिबल नहीं है। टूटी फूटी बसें चलती है, IRCTC राजस्थान गवर्नमेंट की बसें चलती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बहुत सारी गाड़ियां चलती है। बच्चों को ट्रेवल करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना बहुत ज्यादा समस्या होती थी। तो कॉलेज वालों ने सोचा कि यार हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने एक बॉडी बना दी, इसका नाम दिया रीप, राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। और कॉलेजों को बोला कि भाई ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट टाइप चलाओ, तुम इसको तुम लोग पैसा दो और ये तुम्हारे लिए काम करेगा। तो जैसे आप लोग देखते हो ना, कॉलेजेस अपने आप को रजिस्टर करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, अपना फीस चालान वगैरह पे करते हैं रीप को, एंड रीप जो है कॉलेजों को अलॉटमेंट प्रोवाइड करता है कि भाई तुम्हारे लायक ये बच्चे हैं, तुम्हारे लाइक ये बच्चे हैं, तुम्हारे लाइक ये बच्चे। अब बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं, उनका एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे जेन्युइन रीजन रहते हैं, बहुत सारे लोग फर्जीवाड़ा भी करते हैं। खैर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस का क्या सीन है। पहला कंडीशन ये बनता है कि यार आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपके 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आए, 12th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि यार जेई मेन के टाइम पे क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, भाई नंबर ही नहीं आए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हुआ भैया, एक्सीडेंट हो गया भैया, ट्रेजेडी हो गया भैया, हम तो रेप में रजिस्टर ही नहीं कर पाए, हमारे तो बहुत अच्छे मार्क्स है, जेई मेन में बहुत अच्छे मार्क्स, रजिस्टर ही नहीं किया जेई मेन में, रजिस्टर नहीं, हमने तो भैया रेप में ही रजिस्टर नहीं किया भैया, हमारे तो आसपास ऐसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं है, हम तो ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कोई जेई की प्रिपरेशन ही नहीं कराता। तो यार आपके रीजन तो वैलिड है, ठीक है। अब अगर आप पढ़ाई से वंचित रह रहे हो, देन या तो आप लोगों की कमी, या आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर सिस्टम की जिम्मेदारी है, ठीक है। देन एट दैट कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो भी ये जो बॉडी है काउंसलिंग कर रही है हमारी, ये तो पोर्टल है, ठीक है, ये मतलब एडमिशन को सस्टेनेबल सिंपल करने के लिए बनाया है कि हमको कहीं जाना ना पड़े और भी सारा लाइक दैट प्रोसेस। अब ऐसे यार रियल लाइफ सिचुएशन बहुत सारी है कि बहुत सारे लोग गाँव में रहते हैं, एजुकेशन ठीक ठाक से कहीं से कर लेते हैं, ठीक है, कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, या कोचिंग ही नहीं आसपास, बहुत दूर दूर कोचिंग है, ठीक है। देन एट डेट कंडीशन हम क्या करें, या फिर कहीं पे ज्वाइन भी किया, सिर्फ एग्जाम दिया है, देन हम सीधे भागते हुए जाएंगे VC के पास, दिस इज कॉल्ड वाइस चांसलर, ठीक है, एंड हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मेरा 10th में इतने मार्क्स देखिए, 12th में इतने मार्क्स देखिए, मेरा ये रीजन है, ये ट्रेजेडी हो गया था, ये ऐसा इश्यू हो गया था, भाई नहीं पढ़ पाए, ठीक है। अब जो वाइस चांसलर होता है, जैसे आप हमारे जो कॉलेज होता है उसका पूरा सब कुछ डिसीजन लेता है, यूनिवर्सिटी के अंदर होता है वाइस चांसलर, कॉलेज में नहीं होता, वो डिसीजन लेता है, ठीक है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, किसको सीट देनी है किसको नहीं सीट देनी है, तो मतलब ये नॉर्मल जो प्रोसेस है तो मैनेजमेंट के थ्रू हो जाता है। अगर कोई एडिशनल डिसीजन लेना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए 60 सीटें हैं, 60 सीटें भर गई, देन नो वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक्सेप्शनल रीजन है, आप बीमार हो गए थे, आपका पेट टूट गया था, आप हॉस्पिटलाइज थे, आपको कोई ट्रेजेडी हो गई थी, आपका कोई फॉर्म छूट गया था, अगर आपका कोई रीजन है, स्पेशल रीजन है, आपकी कोई स्ट्रॉन्ग कहानी है, आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, अगर आप कैपेबल है, अगर आप एलिजिबल है, देन यू आर एलिजिबल टू गेट द एडमिशन एट द यूनिवर्सिटी एट द कॉलेज एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन कोर्ट केस 2019 एट IIT बॉम्बे। ऐसा ही एक केस हुआ था 2019 के अंदर, ठीक है, पहले इस बारे में कोई बात ही नहीं किया करता था। उसमें क्या हुआ था कि जैसे हम उस बच्चे को भी सीट अलॉट हुआ था, नेट बैंकिंग से पेमेंट किया, पेमेंट ही कट गया था अकाउंट से, बैंक वालों का कुछ गड़बड़ इश्यू हो गया था और उसका फॉर्म कैंसिल हो गया और IIT वालों ने सीट कैंसिल कर दी। कोर्ट जब पहुंचे बच्चा, तो कोर्ट बोला कि भाई हो सकता है देश का प्रधानमंत्री बन जाए, और ये सच भी है। एट द एंड आज से बहुत सालों बाद जब आप पढ़ोगे, अच्छी नौकरी करो, कोई कहीं पे जाएगा, कोई कॉलेज का नाम रोशन करेगा, कोई गांव का नाम रोशन करेगा, कैसे करेगा, जब आप पढ़ोगे, जब आप अच्छी अपने करियर की तरफ बढ़ोगे, अगर आपको कहीं भी जाना है देन आपको चलना तो पड़ेगा, अगर आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है देन आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको कोई पढ़ने से ही रोक रहा है देन